सो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन। फ्रेंड्स, अगर आप भी कोई एक अच्छा सा टोनर में इन्वेस्ट करने की सोच रहे हैं जो कि अफोर्डेबल रेंज में भी हो, एक्सपेंसिव भी ना हो, काफ़ी अच्छा भी हो ऑयली स्किन के लिए, एक्ने प्रोन स्किन के लिए, तो ये वीडियो आज आपके लिए होने जा रही है। क्योंकि आज हम रिव्यू करेंगे गुडबाइब्स का ग्रीन टी टोनर प्लस एल्प्स गुडनेस का ग्रीन टी टोनर। तो किस तरह के टोनर ये हैं, मैंने काफ़ी इनको यूज़ कर लिया है, ऑलमोस्ट ही एम्प्टी हो गए हैं, तो इनके बारे में भी हम आज बात करेंगे। तो प्लीज़ कीप ऑन वॉचिंग। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये दोनों ही टोनर, चाहे ये गुड वाइब्स का ग्रीन टोनर है या फिर एल्प्स गुडनेस का ग्रीन टी टोनर है, दोनों ही आपको ओनली purple.com पे ही मिलेंगे। और ये इसका कैप मेरे से कहीं गुम हो गया था, तो सॉरी फॉर दैट। तो सबसे पहले बात करते हैं इस टोनर की। ये मैं आई थिंक लास्ट 3 या 4 months लॉकडाउन से पहले मैंने इस टोनर को लिया था, एंड इट्स माई सेकेंड बोटल। और purple.com पे आपको ये काफ़ी डिस्काउंट में मिल जाएगा। MRP जो है वो उसका इसका है आई थिंक 175 rupees इसका MRP है, बट ये आपको डिस्काउंट में 140-145 के अप्रोक्स मिल जाता है। सो इट्स अ वेरी गुड टोनर, अच्छा लगा मुझे। मेरी, जैसे कि मैं, आपको पता है कि मेरी स्किन सेंसिटिव है, एक्ने प्रोन है, तो मुझे कुछ रिएक्ट नहीं हुआ इससे, अच्छे से क्लीन आउट कर देता है। और टोनर का काम मेनली जो होता है वो होता है कि आपकी स्किन के pH लेवल को वो बैलेंस करे। प्लस ग्रीन टी का मेन काम ये होता है कि आपकी स्किन से डर्ट को निकाल के आपकी जो स्किन है वो ऑयली, ऑयल फ्री और पिंपल फ्री ग्रीन टी बनाती है। तो मेन जो पर्पज़ होता है ये एक्ने प्रोन और पिंपल वाली जो स्किन होती है उसके लिए बेस्ट होता है ग्रीन टी। सो सेकंड वन जो है ये भी मैंने अभी रिसेंटली ही परचेज़ किया था, और ये आप देखिए ऑलमोस्ट ये भी ख़त्म होने वाला है। तो अब मुझे क्या लगा, बिल्कुल ऑनेस्ट रिव्यू ये होगा, वो मैं आपको बताने जा रही हूँ। फ्रेंड्स, सबसे पहली बात, इसका MRP जो है वो है 175 rupees, और इट्स अ 120 ml बोटल। और purple.com पे या फिर इनके प्रोडक्ट्स पे मेनली ये मेंशन होता है कि दीज आर पैराबीन, सल्फेट एंड क्रुएल्टी फ्री, बट इस पे कुछ ऐसा मेंशन नहीं है। बट अगर हम इंग्रेडिएंट्स इसके पढ़ेंगे तो पैराबीन मुझे इसमें कहीं नज़र नहीं आया। सो इसे भी हम कह सकते हैं कि इट्स ऑल्सो फ्रॉम फ्री फ्रॉम सल्फेट एंड पैराबीन। अब ये जो है, ये जो बॉटल मुझे मिली थी इसका जो MRP है वो 125 rupees है 100 ml के लिए, बट आई थिंक ये मुझे, हाँ ये मुझे 90 rupees या 85 के समथिंग मुझे रिसीव हुआ था, सॉरी हाँ 90 rupees का ये मुझे रिसीव हुआ था आफ्टर डिस्काउंट। सो ये 90 rupees का 100 ml है, एंड ये 145-150 के अप्रोक्स आपको 120 ml मिल जाएगा। मुझे जो सबसे अजीब चीज़ लगी वो मुझे यही लगी कि सिर्फ कंपनी अलग अलग है, सिर्फ नाम इन्होंने अलग अलग रखा हुआ है, ग्रीन टी टोनर फ्रॉम गुड वाइब्स, ग्रीन टी टोनर फ्रॉम एल्प्स गुडनेस, बट दे आर ऑलमोस्ट सेम। अगर किसी ने यूज़ किए हैं तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा, क्योंकि मेरा तो मानना है कि अगर आप लेना चाहते हैं, टोनर आर प्रिटी गुड, ऐसा नहीं है कि ये बहुत बेकार है या कुछ इफ़ेक्टिव नहीं है, लेकिन अच्छी है, ऐसा नहीं है कि बहुत बेकार है, अच्छे से आपकी स्किन को क्लीन करेगा, हाइड्रेट भी करेगा, बिल्कुल भी ड्राई आउट नहीं करेगा। लेकिन अगर आप 145 में आपको एक कोई प्रोडक्ट मिल रहा है और वही सेम प्रोडक्ट, वही सेम एकदम आपको फ्रेग्रेंस, वही एकदम आपको स्किन पे लगा के फील हो रहा है, और वही आपको मिल रहा है 90-100 rupees में, तो 45-50 rupees एक्स्ट्रा डाल के हम इसको क्यों लेंगे। आई थिंक वी शुड बाय दिस वन, ये मेरा सजेशन है। आपने अगर इन दोनों को अलग अलग या यूज़ किया है या फिर किसी को भी कुछ नोटिस हुआ है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मुझे जो ऑनेस्टली मुझे जो फील हुआ वो मैंने आपके साथ शेयर किया। एक हम लोगों को लगता है कि इस पे मेंशन है कि इट्स पैराबीन फ्री, इट्स क्रुएल्टी फ्री, तो हम उसको ज़्यादा प्रीफर करते हैं कि हाँ भाई ये पैराबीन फ्री है तो हमें ये ज़रूर लेना चाहिए। इस पे ऐसा कुछ मेंशन नहीं है, तो मे बी इस वजह से लोग इसको ना ले रहे हों। और गुड वाइब्स जो है आजकल काफ़ी ट्रेंड में है, लोग बहुत ज़्यादा परचेज गुड वाइब्स को कर रहे हैं, तो एक ट्रस्ट भी इसमें बन गया है। अदरवाइज दोनों टोनर मुझे अच्छे लगे। प्राइस के कंपैरिजन में अगर आप लेना चाहते हैं तो मुझे ये सही लगा कि 100 rupees में आपको 100 ml क्वांटिटी मिल जाएगी, और काफ़ी अच्छा भी मुझे ये लगा। अच्छा ये भी है, बट फिर वही सेम वही बात आ जाती है कि फॉर्मूला सेम है, कंसिस्टेंसी, कलर सेम है, फ्रेग्रेंस सेम है, स्किन पे लगता भी सेम है। तो दैट्स वाई मैं सजेस्ट करूँगी कि अगर आपको लेना है तो आप इसको लीजिए। तो फ्रेंड्स, इसी तरह के और भी रिव्यूज़ देखने के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।